तीसरा दल जो सत्ता में है वह तो वादा किया था कि पहले ही दिन 10 लाख नौकरी साइन करेंगे। हम लोग खुद नीतीश जी भी मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे बाबूजी क्या जेल से ला करके नौकरी देंगे 10 लाख। तेजस्वी जी जानते हैं कि वह 10 लाख का झूठ बोले थे, उनको भी उम्मीद नहीं थी तो उन्होंने कम से कम युवाओं को बरगलाने के लिए दिया था। लेकिन जो 2,34,000 सरकारी नौकरियां और उसी के ये जो 30,000 नौकरियां बांटी गई है उसी का एक हिस्सा है, वह हम सब पहले दे दिए थे और दोनों ने मिलकर दिया था और उसी को दोबारा तेजस्वी जी के पास दिखाने के लिए किया जा रहा है। और हम लोग 13 दिसंबर से विधानसभा शुरू होने दीजिए। विजय चौधरी जी पर प्रिविलेज भी मूव कराएंगे कि उन्होंने किस नाते सदन में आश्वासन दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, ये आप सभी ने देखा। मैं वहाँ पर खुद वहाँ पे रह के रिपोर्टिंग कर रही थी और जितने भी वर्दीधारी थे उनसे मैं बात की थी। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बात कुछ बोलने से कतरा रहे थे, वो उनका कहना था कि हमें बोलने नहीं दिया, हमें बोला गया है कि आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है, लेकिन कुछ जो वर्दीधारी हैं वो बोलने लगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वो क्यों बोले थे, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो जो दरोगा और सिपाही के जो अभ्यर्थी वहाँ पर थे मैं उनका भी रिपोर्टिंग की थी। जब वह गर्दनी बाग में उनका फिजिकल टेस्ट चल रहा था उस समय मैं उनका रिपोर्टिंग की थी और उस समय RJD यानी कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं थी, उस समय BJP और नीतीश कुमार ये दोनों के गठबंधन की सरकार थी, उस समय तेजस्वी यादव की सरकार नहीं थी। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव की सरकार बनी उन्होंने गांधी मैदान में उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, उसके बाद फिर ये नियुक्ति पत्र बांटने का प्रावधान चलने लगा और फिर नियुक्ति पत्र बांटा गया। लेकिन उस समय यही सवाल हो रहा था कि क्या यह नियुक्ति पत्र बांटा जो जा रहा है तो क्या यह 10 लाख जो नौकरियां देने के लिए तेजस्वी यादव कह रहे थे क्या उसी में काउंट किया जाएगा, या पीछे मतलब जो सरकार पीछे की जो सरकार थी उनका ये नौकरी है तो उनमें नहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन संजय जायसवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने यह बात साफ कर दी कि आखिर इस नौकरी को किस में काउंट किया जा रहा है। चलिए संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। तेजस्वी जी जानते हैं कि वह 10 लाख का झूठ बोले थे, उनको भी उम्मीद नहीं थी तो उन्होंने कम से कम युवाओं को बरगलाने के लिए दिया था। हम वह विवाद राजनैतिक विवाद है, वह राजनैतिक रूप से निपटेंगे। लेकिन जो 2,34,000 सरकारी नौकरियां और उसी के ये जो 30,000 नौकरियां बांटी गई है उसी का एक हिस्सा है, वह हम सब पहले दे दिए थे और दोनों ने मिलकर दिया था और उसी को दोबारा तेजस्वी जी के पास दिखाने के लिए किया जा रहा है। एक चूंकि दोनों दल का आपस में विलय होना है, माननीय नीतीश जी को जाना है आश्रम में जाके राजद के नेताओं को ट्रेनिंग देनी है, तो उसको देने से पहले वह तेजस्वी जी को सभी पुराने नौकरियों का चेहरा दिखा दे रहे हैं कि देखो 2020 के बाद इनको हमने भाजपा के साथ नौकरी दिया था, आप भी इनसे जाकर एक व्यक्ति लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र का मतलब होता है कि आज से आप नौकरी शुरू कर रहे हैं और आप पुलिस की बकायदा वर्दी में आ करके नौकरी नियुक्ति पत्र लेने का ढोंग करते हैं, क्योंकि आपकी नियुक्ति तो पहले ही हो चुकी थी। तो अब लगातार फैनफेयर लगाना आजकल नया शुरू हुआ है। हम लोग 10-10 हजार करके 40,000 नौकरियां पहले बांट रहे हैं, अब वो 6 चरण में उन्हीं को दोबारा दिया जा रहा है। मेरा हम लगातार इसकी बात करें कि भाई जो वादा हम सबों ने मिल के किया था, हम दोनों ने मिल के किया था, और आज जो दल तीसरा दल जो सत्ता में है वह तो वादा किया था कि पहले ही दिन 10 लाख नौकरी साइन करेंगे। हम लोग खुद नीतीश जी भी मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे बाबूजी क्या जेल से ला करके नौकरी देंगे 10 लाख। तो उस समय आज जब साथ बैठे हैं तो अब तो नीतीश जी जानते हैं कि उनके बाबूजी कहां से लाके देंगे, तो उनको तो 10 लाख नौकरी सबसे पहले देना चाहिए। क्योंकि नीतीश जी ने बकायदा सदन में पूछे थे कि तुम्हारे बाबूजी 10 लाख, हम लोग बोले कि 2,34,000 खाली है, 10 लाख नौकरी कहां से लाके दीजिएगा, तो बोले कि नकली नोट छाप के देंगे। ये सब नीतीश जी का वक्तव्य, ये मेरा वक्तव्य नहीं है और बकायदा सदन में वक्तव्य। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने सरकार हमारी बनी थी, हमारी और NDA की, और इसलिए भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि इस मुद्दे को अब भारतीय जनता पार्टी लेगी। क्योंकि आज तक
जिन्होंने वादा किया था उन्होंने कुछ नहीं किया, और जिसने वादा किया था 10 लाख नौकरी देंगे, यार तुम्हारे पास सबसे बड़ा मौका है, कुछ भी नहीं करना है, सारी तैयारी कंप्लीट है, सेंट्रलाइज आप एक बार मॉनिटरिंग स्टार्ट कीजिए और जॉब दे दीजिए, और ये जॉब देते तो वाकई भाजपा को भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि पहली बार एक ऐसी नौकरी मिलती जो इस सरकार की नौकरी थी। अभ्यर्थी है सर, आप हमारे साथ दे रहे हैं सर, हम पहले भी साथ दे रहे थे सर, एक सवाल हम लोग कैसे सेफ होंगे सर, क्योंकि हम लोग को बहुत डर हो गया है कि हमारी बहाली नहीं होने जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बहाली के लिए, क्योंकि ये प्राइमरी शिक्षकों की बहाली की मांग हम कर रहे हैं, हम लोगों को सर, हम लोग को सेफ जोन में डालिए सर, हाथ जोड़कर निवेदन है, और हम लोग के 13 दिसंबर से विधानसभा शुरू होने दीजिए। अंततोगत्वा सर, हमें अंततो हम लोग का नोटिफिकेशन भी शेड्यूल दे दिए थे, जब नीतीश जी को हटना था उस शेड्यूल का कोई वैल्यू नहीं हुआ सर, और हम लोग को अब भगा दिया गया, और एक सर हम लोग को रहते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपसे सर यही निर्भर है। बिल्कुल, हम लोग विजय चौधरी जी पर प्रिविलेज भी मूव कराएंगे कि उन्होंने किस नाते सदन में आश्वासन दिया। आपने सुना संजय जायसवाल जो कि साफ साफ कह रहे हैं कि यह जो नौकरियां, जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं जो वर्दीधारियों को, यह जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति तो पहले से ही दिया गया था, ज्वाइन ये लोग किए हुए थे, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया हुआ था, उसके बाद ये लोग नौकरी कर रहे थे, और उसके बाद फिर इन्हीं लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और 10 लाख नौकरी में ही जोड़ने का बात कही गई है। चलिए, और भी जो नौकरियां होती है, क्या पहले वाली ही नौकरियों को फिर तेजस्वी यादव काउंट करते हैं या फिर नई नौकरी देंगे? चलिए, हम भी इंतजार करते हैं और आप भी इंतजार कीजिए, जैसे ही कुछ अपडेट होता है हम आपको पहुंचाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।